अमेरिका में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए जल्द ही वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग शुरू किया जा सकता है। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अपनी मंजूरी दे दी है। FDA के इस पैनल में वैक्सीन सलाहकार, वैज्ञानिक, संक्रामक रोग डॉक्टर और संख्यादी वैद्य शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पैनल में इस बात पर सहमति बनी कि वैक्सीन का 16 से ज्यादा उम्र के लोगों पर आपातकालीन उपयोग शुरू किया जाए। बता दें कि बुधवार को देश में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा 3000 से अधिक मौत दर्ज की गई थी। अब वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोरोना स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा। गुरुवार को 8 घंटे की जनसुनवाई के बाद FDA पैनल में मौजूद सदस्यों ने फाइजर और उसके जर्मन साथी BioNTech द्वारा विकसित वैक्सीन के उपयोग के समर्थन में वोट दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रिटेन के बाद अमेरिका भी फाइजर वैक्सीन के टीके की जल्द मंजूरी दे देगा। उम्मीद है कि FDA की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि UK, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब में जनता के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के $multi-billion प्रोग्राम के ऑपरेशन वार स्पीड के तहत जुलाई में वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके साथ ही मॉडर्ना वैक्सीन के विकास और निर्माण का भारी भी समर्थन किया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।